तो हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि विजय महर जी ने फोटो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहिए। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके देन गाइस, आज की फोटो एडिटिंग हम करने वाले कुछ इस बैकग्राउंड में। जैसे कि आप बैकग्राउंड देख ही सकते हो, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड। तो गाइस, इस बैकग्राउंड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके देन गाइस, आपको कुछ इस पोज में एक फ़ोटो क्लिक करा लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया पोज है। तो गाइस, इस पोज में आप एक फ़ोटो क्लिक करा लीजिएगा। ओके देन गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा। अगर आपको रिमूव करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिलेगी, तो वो वीडियो देख के आप ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा। ओके तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस, यहाँ से हम इसे शेयर कर लेते हैं पिकआर्ट में। ओके तो गाइस, जैसे कि बैकग्राउंड हमारा ओपन हो चुका है बैकग्राउंड में, तो गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ओके देन गाइस, आपको यहां से ऐड फोटो पे जाना होगा, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस, आपको अपना कटआउट ले आना होगा। ओके देन गाइस, कटआउट ले आने के बाद आपको ऐसे बड़ा करके एडजस्ट कर देना होगा इस टाइप से, ठीक है। तो आप इस टाइप से एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर दीजिए। ओके देन गाइस, यहां से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस, डन करने के बाद आपको एक पीएनजी मिलेगी, तो वो पीएनजी आप ले आइएगा। ओके तो गाइस, मैं ये रोज़ की पीएनजी ले आता हूं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा क्रॉप कर लेता हूं। ओके तो ले आने के बाद गाइस, आपको ऐसे पीछे एडजस्ट कर देना होगा इस टाइप से, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो आपको ऐसे एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है। आपको इस टाइप से एडजस्ट कर देना हो। ओके गाइस, देन गाइस यहां से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस, डन करने के बाद गाइस, आप फिर जाइएगा ऐड फोटो पे, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस, आपको एक पीएनजी और मिलेगी, तो ये पीएनजी आप ले आइएगा। ओके देन गाइस, आपको यहां से जाना होगा ब्लेंड पे, ठीक है। और ब्लेंड के जाने के बाद गाइस, ऐसे कर देना होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड गाइस, मल्टीप्लाई करने के बाद गाइस, आपको नीचे ऐसे एडजस्ट कर देना हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप इस टाइप से एडजस्ट कर दीजिएगा। ओके इस टाइप से। ओके गाइस, देन गाइस, जो को मतलब कि बाहर मतलब कि बेकार पार्ट आ रहा है, तो उसे आप इरेज कर लीजिएगा। ओके तो यहां से मैं टैप करके इसे इरेज कर लेता हूं। ओके तो गाइस, जैसे कि इरेज हो चुका, तो गाइस जैसे कि आपको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लग रही, तो गाइस इसकी ओपेसिटी आप इतनी कम कर दीजिएगा। ओके देन गाइस, यहां से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस, डन करने के बाद फिर आप जाइएगा ऐड फोटो पे, ठीक है। और ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस, इसी पीएनजी को आप फिर ले आइएगा। देन गाइस, यहाँ से जाइएगा, ठीक है, ब्लेंड पे। देन गाइस, इसे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड गाइस, मल्टीप्लाई करने के बाद गाइस, आपको ये पार्ट आपको ऐसे एडजस्ट कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और देन गाइस, जो फालतू पार्ट आ रहा, तो वो आप इरेज कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके देन गाइस, यहां से कर लीजिएगा डन, ठीक है। और गाइस, डन करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी पे जाइएगा, ठीक है। तो इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिएगा कुछ इतनी, ठीक है। और यहां से कर लीजिएगा डन, ठीक है। और डन करने के बाद गाइस, यहां से जाइएगा आप ड्रॉ टूल्स पे, ठीक है। और ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद गाइस, आप यहाँ थ्री डॉट पे जाइएगा और फोटो को कर लीजिएगा सेव, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि फाइनली हमारा फोटो पूरा एडिट हो चुका है, तो ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पीएनजी एंड बैकग्राउंड बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है। तो गाइस, इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, क्योंकि ऐसी ट्रेंडिंग विजय महर फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।